प्लेस तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वी आर रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट डे। अभी फर्स्ट हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम जाएंगे पुतुड़ी या फिर उर्मागढ़, दोनों प्लेस में से कोई प्लेस एक जाएंगे। प्लान तो था पहले ब्रेकफास्ट का, बट जगन्नाथ टेम्पल और ये ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर देखकर हमने अपना प्लान मॉडिफाई करते हुए पहले मंदिर के दर्शन फिर ब्रेकफास्ट करने का डिसाइड किया। प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकल पड़े उर्मागढ़ वाटरफॉल की तरफ। उर्मागढ़ वाटरफॉल घूमने के बाद हम गए पुतुड़ी वाटरफॉल। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place. अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये प्लेस पिकनिक के लिए बहुत ही बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई एक ग्रुप वहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं। मॉर्निंग में तो हमने होटल चेकआउट कर लिया था क्योंकि हमें स्टे करना था सेकेंड डे फुलवानी नेचर रिट्रीट में।
ये है हमारा ट्रैवलर जिसमें हम भुवनेश्वर से यहाँ आए थे, और ये हमारे ड्राइवर भाई जो हमें यहाँ पे लेके आए थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। सो कैसा लगा वीडियो ये भी मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। चलो हम लोग थोड़ा अभी लंच कर लेते हैं, बहुत लेट हो चुका है लंच करने के लिए, आते आते यहाँ पे टाइम हो गया। सो लंच करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपको इवनिंग में। और एक चीज़ दिखाने को रह गया था, छोटा सा झोपड़ी। आते टाइम आपने एक रूम देखा होगा जहाँ पे कुछ आर्ट बना हुआ था, वो था उनका किचन रूम, और ये है डाइनिंग। मेरा तो पैर खराब था, मेरा जो आधा सूट है ये मेरे कोऑर्डिनेटर पार्टनर अंकित कर रहा था, सो थैंक्स टू हिम। सो अभी हम लोग को रूम मिल रहा है। हम लोग पहुँचते तो मैंने बताया था कि बहुत लेट हो चुका था, तब हम लोग लंच किए 4 बजे। लंच ख़त्म करने के बाद अभी हम लोग को रूम मिल रहा है। सो मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसा रूम है, कैसा प्लेस है। सो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। प्लेस तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने अभी तक चेंज भी नहीं किया है। सो आइए दिखाता हूँ। तो ये हम लोग का रूम है, बेड टेंट भी काफी अच्छा है। कैसा लगा? दिस इज टू गुड फॉर द प्राइस, मतलब जितना भी ले रहे हैं। जब तक हंगामा नहीं हुआ था तब तक ये प्लेस बहुत ही शांत था, और फिर स्टार्ट हुआ हम लोगों का पागलपन थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फुलवाणी के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ एंड बाय बाय।